अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक एक्टिविटी यानी प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे अपनी क्लास मैट्रिक का, जिसके अंदर हम एक्टिविटी नंबर 6 को परफॉर्म करेंगे। उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, पहले मैं आपको उसका ऑब्जेक्ट बता देती हूँ। ऑब्जेक्ट है एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व द कॉन्ट्रैक्शन इन द शिन मसल्स ऑफ फ्रॉग इन अ पेट्री डिश फिल्ड विथ मिथाइलिन ब्लू बाय यूजिंग 12 वोल्ट DC यानी डायरेक्ट करंट। अच्छा, इसके अंदर जो है ये इसका ऑब्जेक्ट था। अब मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट बताती हूँ या जो एपरेटस हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सो वो एपरेटस हमारे पास है, एक डाइसेक्टिंग बॉक्स है हमारे पास, डाइसेक्टिंग ट्रे हमने लेनी है, देन बैटरी डिश हमने लेनी है और 12 वोल्ट की हमने बैटरी लेनी है जिससे पावर सप्लाई होगा डायरेक्ट करंट यानी कि DC। देन वाइट्स हमने लेना है, फ्रॉग लेना है, मिथाइलिन ब्लू हमने लेना है और पेपर पिन लेनी है, ठीक है। ये सारा जो है वो क्या है, ये सब एपरेटस है जिसकी मदद से हम फ्रॉग के शिन मसल्स को, जो कि उसके हाइंड लिम्ब पर मौजूद होता है, उसको जो है हम उसकी कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली पावर सप्लाई के थ्रू यानी उसको जो है वो बैटरी के थ्रू अटैच कर वाइट्स की मदद से और मिथाइलिन ब्लू की मदद से हम चेक करेंगे कि उसके मसल्स के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है या नहीं, ठीक है। तो हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं इसके अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन फिलहाल हम उसको नेक्स्ट वीक के लिए रखते हैं, लेकिन आज जो है मैं आपको उसकी थोड़ी सी वीडियो दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है वो पता चल जाए कि किस तरह से आपको इसको परफॉर्म करना है, ठीक है। सो हम मल्टीमीडिया के थ्रू इसकी वीडियो देखेंगे और इसके जितना भी प्रोसीजर है, जो भी अप्रैक्टिस है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस लेक्चर में। यह आपको नज़र आ रहा होगा मिथाइलिन ब्लू, ये मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन है, ठीक है। एक ये रिंगर सॉल्यूशन, ये बैटरी है, ठीक है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। देन ये पेट्री डिश है जिसके अंदर ये रखा है, ये फ्रॉग की जो पिंडली यानी कि इसके शिन मसल्स को रखा है, ठीक है। और इसके अंदर इसकी शार्टिंग नर्व्स होती है, तो बेसिकली हमने वहीं पर ही वाइट को अटैच करना है। देन ये ड्रॉपर है और ये पेट्री डिश है और ये फोर्सेप है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये मेन टर्मिनल है यानी कीबोर्ड, ठीक है, की है इस एक तरीके की, इससे जो है वो वायर जुड़े हुए हैं। ये बैटरी डिश है, ये फोर्सेप है, ड्रॉपर है और फ्रॉग का जो है वो शिन मसल ले लिया हमने उसकी हाइट। ठीक है, ये मिथाइलिन ब्लू जो है हमने पहले पेट्री डिश के अंदर निकाल लिया है। अब जो है हम इसके अंदर ड्रॉपर की मदद से रिंगर सॉल्यूशन का जो है वो फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे। ये फ्रॉग की जो है वो पिंडली यानी कि शिन मसल्स को हमने ले लिया है और इसको जो है वो हमने मिथाइलिन ब्लू के अंदर डाल दिया है। देन हमने इसकी जो है वो ये वाइट्स लिए हैं, ठीक है, और वाइट्स जो है वो कनेक्टेड हैं बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी है और डायरेक्ट करंट इसको सप्लाई किया जा रहा है। सो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव ये टर्मिनल्स हैं। ये इससे अटैच कर दिया है। मिथाइलिन ब्लू इसलिए डाला है ताकि जो है वो इलेक्ट्रोड इसमें वर्क कर सकें सही से, क्योंकि लिक्विड मीडियम जो है वो उसको उसकी नीड है, डेट्स वाई हमने जो है वो मिथाइलिन ब्लू डाला है। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि वो ट्विस्ट करेगा, उसमें खिंचाव पैदा हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो स्टार्ट हो गया है। जैसे हमने कीज को उसमें अटैच कर दिया है तो वो करंट डायरेक्ट इसके मसल्स में जा रहा है और उसकी वजह से वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है।
आप लोग देख सकते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हो रही है। सो बेसिकली हम जो है वो शिन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन चेक करने के लिए बैटरी की मदद से उसको जो है वो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं, और मिथाइलिन ब्लू जो है वो एक लिक्विड जो है वो हम यूज़ करते हैं सॉल्यूशन, जो कि उसको जो है वो मीडियम प्रोवाइड करता है। देन इलेक्ट्रोड्स की मदद से जो है वो उसके अंदर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और करंट उसके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और ट्विस्ट होता है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि फ्रॉग जो है, फ्रॉग के जो शिन मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होती है। थैंक यू।